Hey guys, assalamu alaikum. Welcome back to Ali's channel. Today's new recipe is matar pulao. So let's go. तो यहाँ पे हमने लिया है दो मीडियम साइज के प्याज, 7 से 8 हरी मिर्ची, 2 टमाटर और 1/2 किलो मटर। फिर हमने लेंगे 1 टीस्पून जीरा, 2 लौंग, 2 काली मिर्च, 2 दालचीनी और 2 तेज पत्ते। तो यहाँ पे हमने एक बड़े साइज का टोप ले लिया, उसमें हम डालेंगे 2.5 टेबल स्पून ऑयल। तो यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सारे गर्म मसाले, कांदे और हरी मिर्च डाल देंगे। तो यहाँ 2 मिनट बाद हमारे प्याज सॉफ्ट हो चुके, अब हम इसमें हमारे मटर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम प्याज के साथ साथ हमारे मटर को भी फ्राई कर लेंगे और फिर गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। तो हमारे मटर और प्याज फ्राई हो चुके, अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को अच्छी तरह कुक कर लेंगे। दो मिनट बाद हम इसमें हमारे टमाटर ऐड कर लेंगे। और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे हाई फ्लेम पर ढककर भून लेंगे और हम इसे बीच बीच में चेक भी कर लेंगे ताकि ये नीचे से जल ना जाए। अब हम इसे हाई फ्लेम पर इसी तरह थोड़ी देर तक भूनते रहेंगे। हमारी सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है, अब हम इसमें धनिया काट कर ऐड कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हमने चावल ले लिया, यह है बासमती टुकड़ा। तो यहाँ पे मैंने मेजरमेंट इस ग्लास से लिया है, 1.5 ग्लास चावल और पानी हम उसका डबल ले लेंगे यानी कि 3 ग्लास। और फिर हम इसमें हमारे चावल ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप नमक मिर्ची टेस्ट करके चेक कर सकते हो, मुझे नमक कम लगा तो मैंने इसमें थोड़ा ऐड कर लिया। और फिर हम इसे एज यूजुअल चावल की तरह कुक कर लेंगे। यहाँ पे हमारा एक उबाल आ चुका है, अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। और बीच बीच में हम इसे इस तरह चेक भी कर लेंगे। सो गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हैं हमारा मटर पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी के साथ करते हैं वीडियो की एंड। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज अलरीन्स चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।